भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अवैध निर्माण शहर में करवा रहे हैं। हम कि भाई यहाँ पर निर्माण हो रहा है और उसको आपने, मैंने कहा मुझे संज्ञान में नहीं था, आपने बताया, इसके में जब मैंने तुरंत अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया, मैंने सीओ में मैडम को अवगत कराया। नीमच शहर में नियमों का ढिंढोरा पिटने वाली भाजपा की नगर परिषद में नपाध्यक्ष की कमान स्वाति चोपड़ा के हाथ में आने के बाद से ही अमीरों और गरीबों के लिए नपा नीमच के नियम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रसूख वाले लोगों के अवैध निर्माण कार्य तो शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं और नपा के अधिकारी से देखकर भी अनदेखा करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 14 रोडवेज बस स्टैंड के समीप भी सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से बिना अनुमति अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। नपा अधिकारी सिर्फ कार्रवाई की बात कहते दिखाई दे रहे। शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कालरा ने भाजपा की परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में अवैध निर्माण कार्यों को धराशायी करने का काम किया गया, लेकिन भाजपा की वर्तमान परिषद में अपने ही लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए अवैध निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार थी तब अवैध निर्माण पे कई बुलडोजर नीमच शहर में चले थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अवैध निर्माण शहर में करवा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। शहर के वार्ड नंबर 14 की भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने अवैध निर्माण को लेकर कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने मौके में जाकर निरीक्षण किया था और सीएम और अध्यक्ष को भी अवगत कराया। देखिए मेरे भी ये मामला संज्ञान में आया है, मुझे भी कुछ पत्रकार भाइयों ने दिन में बताया कि भाई यहाँ पर निर्माण हो रहा है और उसको आपने, मैंने कहा मुझे संज्ञान में नहीं था, आपने बताया, इसके में जब मैंने तुरंत अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया, मैंने सीओ में मैडम को अवगत कराया। तो हुआ कि मैं खुद वहाँ मौजूद थी, वहाँ पर परमार जी आए हैं, उन्होंने मेरे सामने निरीक्षण किया, उन्होंने मुझे भी फोन लगाया और मैं भी वहाँ पहुँची और जब हमने देखा तो वास्तविकता में वहाँ पत्रे सड़े हुए थे जिसका निरीक्षण मैंने किया और आप चाहें तो आप मेरे साथ चल के कर सकते हैं। और चूंकि ईंटों की दीवारें नई है ही नहीं, वो पुरानी ही है, आप चल के निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं। नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार ने हमेशा की तरह शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर वही रट्टा रट्टाया जवाब देते हुए दिखाई दिए कि पूरे मामले को लेकर उपयंत्री को भेजकर कार्यवाही करवाई जा रही है, लेकिन मौके पर शाम तक निर्माण कार्य चलता हुआ दिखाई दिया। आज मेरे पास मुझे इसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि बस स्टैंड में जो 8 बंगला नंबर 8 है, बगीचा नंबर 8 है, वहाँ पे निर्माण चल रहा है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई। मैंने संबंधित उपयंत्री को मौका निरीक्षण करने के लिए और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया। फिर देखना यह होगा कि नियम और सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बात करने वाली नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की परिषद में क्या अब इस अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी और धराशायी किया जाएगा, या फिर शहर में ऐसे ही अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलते रहेंगे और नपा के जिम्मेदार खामोश दिखाई देंगे।